नमस्कार, यूपी विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दूसरे राज्यों की बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। यूपी में दूसरे राज्यों की बसें अब नहीं आएंगी। कोविड कंट्रोल को लेकर इस बड़े फैसले को लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दूसरे राज्यों की बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन तौर पर इस बड़े कदम को उठाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों की बस अब उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाएंगी। कोविड कंट्रोल को लेकर इस बड़े फैसले को लिया गया है, जहां पर लगातार जिस तरीके से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश लोगों का आवागमन लगातार जारी है। खासतौर पर प्रवासी मजदूर अपने क्षेत्रों में लौट रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन बढ़ना बेहद स्वाभाविक है। अब उसी चेन को तोड़ने के लिए इस बड़े फैसले को लिया गया है, जहां पर इससे पहले मध्य प्रदेश भी इसी तरीके का फैसला ले चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े फैसले को लिया है, जहां पर दूसरे राज्यों की बसें अब उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाएंगी। सीएम योगी ने इस बड़े फैसले को लिया, उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरे राज्यों की बस सेवा पर रोक लगा दी गई है, अब दूसरे राज्यों की बसें उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाएंगी। एहतियातन तौर पर इस बड़े फैसले को लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,03,54,904 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 23,74,880 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार से पहले प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अगले सप्ताह भी रोजाना 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 7 जनपदों में जारी रहेगा। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 2,47,170 इलाकों में 5,87,642 टीम दिवस के माध्यम से 3,39,85,062 घरों का सर्वेलांस अब तक किया गया है और इसमें रहने वालों की संख्या 16,39,79,240 है। वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक हम 1,03,54,904 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे चुके हैं और इनमें से 23,74,880 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,27,29,784 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। कल से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। इस समय हम उसके सॉफ्टवेयर को जांच रहे हैं और इसलिए हम सुचारू रूप से कल हम चला पाए और युवतियों में बहुत ही जोश रहा और उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना टीकाकरण करवाया। अगले सप्ताह भी प्रतिदिन 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 7 जनपदों में कराया जाएगा और बहुत शीघ्र, जैसे ही हमारी ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की कंप्लीट हो जाती है, अति शीघ्र इसे हम प्रदेश के सभी जनपदों में प्रारंभ करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में शनिवार को 2,97,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट के लिए गए, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड है। इनमें से 1,08,000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि 90,000 से ज्यादा गांव में 4 से 8 मई तक चिन्हीकरण अभियान चलाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को लक्षण है तो उन्हें दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को अब दूसरे प्रदेशों में नहीं भेजा जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेश के श्रमिक संगठनों और श्रमिकों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की में वार्ता की थी और उन्होंने उसमें घोषणा की है कि प्रत्येक ऐसे श्रमिक को जो कि रजिस्टर्ड है पर यदि वो प्रवासी है या स्थानीय है, जो भी उसमें जिस भी श्रेणी में है, उसको 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ये उन्होंने घोषणा की और इसी का अनुपालन शुरू हो गया है। इसी तरह से आज प्रदेश के समस्त व्यापारी बंधुओं के साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वर्चुअल संवाद है जिनमें वो व्यापारियों के साथ वार्ता करेंगे। ये एक प्रदेश सरकार की कोरोना की साथ कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, उसकी रणनीति का एक हिस्सा है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न संगठनों, विभिन्न प्रबुद्ध जनों से वार्ता करके उनसे एक एक कम्युनिकेशन सेटअप करके उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं और उनको इस लड़ाई में जोड़ा भी जा रहा है, क्योंकि हर नागरिक जब इससे जुड़ेगा तभी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इस लड़ाई में तभी जीत संभव होगी, क्योंकि हर नागरिक को ये सुनिश्चित करना है कि वो स्वयं सावधानी बरते, मास्क का निरंतर उपयोग करे, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। ये सावधानियां यदि रखेंगे और जब भी कभी आपको लक्षण हो, टेस्ट हो या ना हो, टेस्ट में समय लगे या ना लगे, आपको तुरंत दवा लेना शुरू करना है ताकि समय रहते आपके लक्षणों का इलाज हो सके और हम बहुमूल्य। जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है, कई पदों के परिणाम आ चुके हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता प्रवीण द्विवेदी ने अति संवेदनशील इलाके के मतगणना स्थल पर पहुंचकर अपर जिला अधिकारी जालौन प्रमील कुमार से खास बातचीत की, जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। शाम का 6 बज चुका है, लगभग रिजल्ट आते जा रहे हैं और जो रुझान आते जा रहे हैं, उन जो प्रत्याशी सभी जीतते जा रहे हैं और उनको अपने घर जाते जा रहे हैं। हर एक बूथ पर दो दो एजेंट लगाए गए हैं, कोरोना संक्रमण का विशेष ख्याल रखा गया और कोरोना न फैले इसका ध्यान देते हुए सभी लोगों को पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सभी को जानकारी दे रहा है। यदि कोरोना संक्रमण फैलता है तो ये भयावह स्थिति होगी, सभी को प्रशासन इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है। यहाँ पर ADM साहब मौजूद हैं, हम ADM साहब से पूछेंगे कि ये जो है कितने परसेंट रुझान आ चुके हैं, कितने प्रत्याशी जीत चुके हैं, लगभग जिले का पूरे रुझान जानेंगे। सर ये बताएं जो जिले में अभी तक लगभग कितने रुझान आ चुके हैं? हमारे यहाँ हम लोग खड़े हैं खलील ददरा, क्या नाम है इसका, तीतरा खलीलपुर में, तो यहाँ करीब 20-21 प्रधानों के और 24-25 इनके दे दिए गए हैं BDC सदस्य के। अभी जिला पंचायत सदस्य की गणना चल रही है और पूरे जनपद में कुल मिला करके 170 लोगों को प्रधान का और 182 BDC के सदस्यों का रिजल्ट दिया जा चुका है। सर क्या कोई जिला पंचायत सदस्य का भी कोई रिजल्ट अभी तक आया? अभी सब रिजल्ट तो बन रहा है लेकिन अभी क्लियर रिजल्ट अभी किसी का नहीं आया है जी। अभी तक 6 बजे के समय में जो अभी 170 ग्राम प्रधान और BDC का रिजल्ट आ चुका है, अब जो रुझान है अभी आना बाकी है, लगभग 8 से 8:15 बजे तक पूरे जनपद के रुझान आ जाएंगे, उसके बाद सभी का रुझान दिया जाएगा, किस जगह से कौन सा प्रत्याशी जीता है और जिला पंचायती में किस प्रत्याशी ने अपने भाग्य को हासिल किया। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना से पहले ही शासन ने सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में विजयी जुलूस नहीं निकलेगा, सभी तरीके के विजय जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी रहेगी। COVID-19 को देखते हुए ये बड़ा आदेश दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके गोरखपुर में इन आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। यहां BJP नेता ने पत्नी के प्रधान बनने पर विजय जुलूस निकाला और DJ बजाते हुए जमकर ठुमके लगाते हुए समर्थक जाते हुए नजर आए। ऐसे में किसी भी समर्थक ने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रखा था। अब ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरखपुर के कैंपियरगंज इलाके में किस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ साथ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मामला कैंपियरगंज के रामचौरा गांव का है, जहां पर BJP नेता के पत्नी के प्रधान बनने पर विजय जुलूस निकाला गया। ढोल DJ नगाड़े बजाकर सैकड़ों की संख्या में लोग ठुमके लगाते हुए नजर आए। कैंपियरगंज के रामचौरा ग्राम सभा से बिंदु देवी की जीत पर जश्न मनाया गया, जबकि शासन द्वारा साफ तौर पर निर्देशित किया गया था कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। कानपुर में लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आज लखनऊ से उन्नाव से होते हुए कानपुर लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा। लखनऊ चारबाग से लखनऊ और उन्नाव पुलिस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर ऑक्सीजन टैंकर को कानपुर पहुंचाया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर की टीम ने रिसीव करते हुए ग्रीन कॉरिडोर के साथ ऑक्सीजन गैस टैंकर को गैस प्लांट तक पहुंचाया। खबर बिजनौर से, जहां पर मतगणना के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। भीड़ जुटता देख पुलिस ने लोगों को लाठी डंडे से खदेड़ कर भगाया। इस दौरान एक ई रिक्शा चालक पर दारोगा की मौजूदगी में सिपाही ने लाठियां बरसाई। ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात का है।
खबर फिरोजाबाद से, जहां पर सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ा। हालांकि सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता और खासतौर पर गाइडलाइंस का पालन करना सभी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन बावजूद इसके कहीं पर जीत का जुलूस देखने को मिला तो कहीं पर लोगों का भारी जमावड़ा। ऐसे में पुलिस यहां पर पूरी तरीके से एक्टिव मूड में नजर आई। फिरोजाबाद में जैसी ही जानकारी इस पूरे जमावड़े की पुलिस को लगी, पुलिस वहां पर पहुंची और सभी पर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। इस बीच बड़ी जानकारी लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां पर विजय हुए प्रत्याशी की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी, विजय प्रत्याशी की गुंडागर्दी का यह मामला। विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग की है। तस्वीरें देखिए, विजय जुलूस निकालकर धमक भी दिखाई, जिसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके उसका उल्लंघन किया गया। विरोधी प्रत्याशी के खास लोगों और महिलाओं के साथ मारपीट की गई। विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे विजय प्रत्याशी की गुंडागर्दी की तस्वीर और बड़ा मामला उसी को लेकर लखीमपुर खीरी से सामने आ रहा है, जहां पर विजय हुए प्रत्याशी ने गुंडागर्दी की है। विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग की घटना भी सामने आ रही है। विजय जुलूस निकालकर अपनी धमक भी दिखाते हुए प्रत्याशी साहब नजर आए। ऐसे में विरोधी प्रत्याशी के खास लोगों और महिलाओं के साथ मारपीट का भी बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जहां पर विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां से ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। विजय प्रत्याशी की गुंडागर्दी देखने को मिली, विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग को लेकर ये बड़ा मामला, जहां पर विजय जुलूस निकालकर अपनी धमक भी विजय प्रत्याशी ने दिखाई। न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि विरोधी प्रत्याशी के खास लोगों और महिलाओं के साथ मारपीट भी की है। विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग भी की गई है। बड़ी जानकारी लखीमपुर खीरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर विजय प्रत्याशी द्वारा गुंडागर्दी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। ईंट पत्थर द्वारा एक दूसरे पर हमला किया गया है। हवाई फायरिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। इस बीच इस पूरी घटना के दौरान पूरे इलाके में भगदड़ मच गई, लोगों में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। तस्वीरें उसकी बड़ी बांध की। लखीमपुर खीरी से ये बड़ा मामला, विजय प्रत्याशी ने गुंडागर्दी करते हुए विरोधी प्रत्याशी के घर के सामने हवाई फायरिंग की है। साथ ही विजय जुलूस निकालकर अपनी धमक भी दिखाई है। साथ ही विरोधी प्रत्याशी के खास लोगों और यहां तक कि महिलाओं के साथ भी मारपीट को लेकर बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। खबर जालौन से, जहां पर मतगणना स्थलों का डीएम ने निरीक्षण किया। डीएम ने डकोर ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। जिले में 9 मतगणना स्थलों पर काउंटिंग का काम जारी है। जिलाधिकारी ने पहली पाली में शाम 5 से 7 बजे तक मतगणना खत्म होने की बात कही है। जिले में मतगणना चल रही है, क्या तरीके से चल रही है? और क्या हमारे जिले में 9 मतगणना स्थलों पर मतगणना चल रही है। सभी मतगणना स्थलों पर हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की और निष्पक्ष मतगणना कराने की काफ़ी प्रयास किए हैं और हमारी उम्मीद है कि हमने जो व्यवस्था की है उसके अनुसार हम जल्दी ही हमें दूसरी शिफ्ट की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही शिफ्ट में हम मतगणना करा लेंगे। और अभी हमारे विभिन्न ब्लॉकों में अलग अलग बूथों पर मतगणना, कुछ प्रधान पदों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। और इस वर्तमान में मैं जो डकोर ब्लॉक में हूँ, यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि 5-7 बजे तक हमारी मतगणना समाप्त हो जाएगी। खबर हरदोई से, जहां पर पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है। हालांकि शुक्रवार से लेकर मंगलवार की सुबह तक हरदोई में लॉकडाउन है, इस दौरान पूरी तरीके से आवागमन बाधित है। लेकिन हरदोई के बाघोली क्षेत्र में जहां पर पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही है, वहां पर लोगों की भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। देखिए हमारे सहयोगी आलोक सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बघोली पोलिंग बूथ में है जहां काउंटिंग हो रही है, 2 तारीख है। हालांकि हरदोई में पूरा लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में लगा है। जहां तक सरकार का नियम है कि जो
सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें तक खुलने का है, लेकिन इस तरह आप देख सकते हैं भीड़ देखिए यहाँ पे। हालांकि एक प्रत्याशी के साथ एक ही एजेंट अला हुआ है, लेकिन चुनाव इतना ज़्यादा हुआ है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। कैमरा देख के लोग जिनके गाल पर मास्क लगा था उन्होंने ऊपर जरूर कर लिया है, लेकिन भीड़ जो सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ध्वस्त है। यहाँ पर हरदोई का प्रशासन मौके पर जरूर आए थे, SP आए थे, DM आए थे, SHO भी हैं यहाँ पर। हालांकि ये तो पोलिंग बूथ के कैंपस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, हम बाहर से भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कोविड का। लोगों को ये पता है कि खून की उल्टियाँ L1 L2 और जिला अस्पताल में चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, लाशें भूखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, चुनाव आयोग पर जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों, आखिर क्यों, क्या जरूरत थी इस काउंटिंग की इस प्री पीरियड में, जब इतना क्रॉनिक स्टेज में COVID-19 अपनी पोजीशन ले चुका है। हम मित्रों तो हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के इलाके में है जहाँ पर काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें कि कैंपस के अंदर जो काउंटिंग हो रही है वो तो ठीक है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और आपको बता दें कि वहाँ से जो पुलिस आती है वो यहाँ सड़क पर आके इन लोगों को इस तरह से खदेड़ रही है इस कैंपस के अंदर। आप कैंपस देखिए और भीड़ देखिए, भीड़ बकरियों की तरह जमा है यहाँ पर लोग, जिनको शायद ये नहीं मालूम कि कोरोना अपनी किस स्टेज पे है और किस तरीके से L1, L2 और L3 में जाने जा रही हैं लोगों की। लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं, कैमरा आप देख रहे होंगे कि जो लोग मास्क लगाए भी हैं, कुछ लोग कैमरा देख के मास्क लगा लिए हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं तो मास्क गाल पे लटकाए हुए हैं। कितनी असंवेदनशीलता है इस जगह कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आज काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको बता दें कि हरदोई में फ्राइडे से लेकर मंगलवार तक लॉकडाउन भी है, और ये लॉकडाउन का समय है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे भीड़ दिखा दिया, देखिए ऊपर चढ़ के जा कैमरा दिखाओ, ऊपर चढ़ भीड़ देखिए यहाँ पर। और ये लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि ये सिर्फ मौज लेने आए हैं चुनाव में, ये सिर्फ काउंटिंग में मजा लेने के लिए आए हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके घर में बाल हैं, बच्चे हैं, ये अगर बीमार हुए तो किस तरीके से इनकी ऑक्सीजन मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसके साथ एक अटेंडेंट अंदर है, समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों। तो सुना आपने क्या कुछ हमारे सहयोगी का कहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से वहां पर पालन नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। सहारनपुर में सभी 11 ब्लॉक में मतगणना चल रही है। सभी 884 ग्राम सभाओं के प्रधानों के साथ साथ 22,171 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। हालांकि कोविड की गाइडलाइंस का पालन आवश्यक है, बावजूद इसके कई मतगणना स्थल पर इसका पालन होता हुआ नजर नहीं आया। JV जैन इंटर कॉलेज में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। देखिए जनपद सहारनपुर में सभी 11 ब्लॉकों पर शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी जगह मतगणना प्रारंभ है। कहीं कोई समस्या नहीं है, और मैं और कप्तान साहब दोनों लोग घूमकर सभी मतदान, जो भी हमारे ब्लॉक स्तर पर जो सेंटर हैं सबका हम लोग जायजा ले रहे हैं, और जो भी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, RO हैं, सभी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना आज शुरू हुई है, और सुबह 8 बजे से मतगणना सभी सहारनपुर के 11 ब्लॉक में चल रही है। 22,717 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका आज भाग्य का फैसला होगा कि किसके सर पर ताज सजेगा। मैं इस वक्त हूँ सहारनपुर के जैन इंटर कॉलेज पर, और ये जैन इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो है बलियाखेड़ी ब्लॉक की यहाँ पे मतगणना चल रही है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे इस समय यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा सके। यहाँ पे जो भी अंदर जा रहे हैं उनको बाकायदा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो अंदर क्यों जा रहे हैं, और बिना मास्क के किसी को भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी जा रही है। और वहीं हम बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो तमाम तरह के वादे, तमाम तरह की बातें यहाँ पे कही गई हैं, यहाँ पे सैनिटाइज़र यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा मास्क को कंपलसरी किया गया है। और यहाँ पर इस समय मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है जो व्यवस्थाएँ हैं, इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर खाने की एक टेबल है, यहाँ पर जो लोग खा रहे हैं, खाना यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह
चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर कानपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर अपना दल से दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का निधन हो गया है। उसी को लेकर यह बड़ी जानकारी, बड़ी बात यह कि कोरोना संक्रमण से अजय प्रताप सिंह का निधन हुआ है। आपको बता दें कि संक्रमित होने के बाद निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अजय प्रताप के निधन से अब शोक की लहर व्याप्त है। बहुत स्वाभाविक है कि किस तरीके से लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर एक व्यक्ति के मौत के साथ अब चिंता लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी इस सिलसिले में कानपुर से सामने आ रही, जहां पर अपना दल से दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से अजय प्रताप सिंह का निधन हुआ है। कोरोना की जंग वो अस्पताल में लगातार लड़ रहे थे, निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। यूपी विशेष में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।